ये बुढ़ा भी उल्टा नट है, बुढ़ा का भी मास मूह लग रहा है जी, 10 साल रह गया, 5-4 बार एम पी रह गया, छोरा रह गया, दोनों बावड़े हो रहे हैं मुख्यमंत्री चक्कर में जी। और भाई शेज आ गई प्रजा में आई, और भाई सुरजाला के भी जी। अब सुरजाला तो भाई वो जींद सार में उसका वदूद भी है, तो इनका तो ऐसा है वो, इसलिए हरियाणा कांग्रेस में सबसे अच्छा नेता कौन लगता है आपको फिलहाल के दौर में? मन कोई नहीं लगता, कमल कोई बढ़िया नेता नहीं, कोई कमल नहीं। बीजेपी में ना, बीजेपी का यार कल जगर कर दिया इतना नालायक आदमी है, कांग्रेस में नहीं है, धर्मपाल मलिक शरीफ आदमी है जी, जो जो देवलाल का टोल नहीं स्टासी वाला जी, ये सब आ रहा है, ये तो दल बदलू है यार, दल बदलू आ क्या चक्कर है, बीजेपी का यार कोई इसका, ये तो ये लोग कांग्रेस का बैठा क्यों बैठा है, ये जो देवीलाल का टोल स्टासी वाला टूट के नहीं आया नब्बे का जी, कांग्रेस का वहां बैठा बैठे, ये तो वैसे है, ये अपने छोरे अब खड़े होगी न्यू मारे छोरे टिकट दो, बोलो भी ये 3-3.5 करोड़ आदमी रहे हरियाणा के, ये खींचांगे इनके लिए खेरा खींच है। अभय चौटाला कैसे लगते हैं आपको? अभय चौटाला ने एक काम ठीक किया, जिस तरह ये आड़ा ईवीओ नहीं था किसान आंदोलन जी, इसमें इसने जो रिजाइन नहीं किया वो उसने काम बढ़िया करा, पर वो जिता भी दिया जनता ने बढ़िया हो गया, हालांकि मैं इनको लायक नहीं करता, वोट मार्जिन कम हो गया था बाकी बेशक हो गया, मैं इनको लायक नहीं करता, पर उसकी वह अगर दुश्मन को अच्छा काम करता है तो उसको आप अच्छा कहो, अगर दुश्मन लड्डू बांटता है लड्डू कहने चाहिए, हमने गुड़ नहीं कहना चाहिए, फिर तो हम कमजोर हो गए भाई, दूसरा ठंडा समझे नहीं, हमारी तो एक सोच है, दूसरा नहीं के लाओ, जनता ने लाओ, हिंदुस्तान की जनता है, हरियाणा की जनता है, सर्वोपरि है, पर नेता ने भी के लाओ, यदि यार सारे जो हम दूसरी किस्म के आदमी हैं, ये 500-500, 1000-2000 करोड़ के आदमी हैं सारे, ये देवलाल का टोल है। हरियाणा के अभी तक जितने मुख्यमंत्री रहे हैं उनमें से कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो आपको पसंद? देखो बंसीलाल ने काम किया, हरियाणा निर्माता होने रोड भी बिजली भी करप्शन भी कम था, ये बात करनी पड़ेगी, बंसीलाल ही जो है, बंसीलाल बढ़िया आदमी था। जब चौधरी बंसीलाल का जब पहला राज आया तब आप कितने साल के थे? वो बात देख लो, हम जब होंगे जो है ना 10-11 साल के। उस वक्त की कुछ धुंधली यादें हैं कि क्या? ना यादें हैं, अगर बंसीलाल चंडीगढ़ से चला है तो रोहतक तक कोई व्हीकल नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? उसका दबदबा था, बराजा था वो, उसकी जो थी ना, फिर उसके दौरे यूपी जो आईएएस लॉबी थी, आईपीएस थे, आईआरएस थे, जो लॉबी थी क्लास वन अफसर था, वो खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था, बागड़ी था ना भाई, ऊंट की पुछड़ी भी ना छोड़ी थी, फिर ब्यूरोक्रेट्स पर पकड़ बढ़िया थी उनकी, बढ़िया थी, फिर वो लुच्चा आदमी नहीं था, वो करेक्टर का स्ट्रोंग था, वो उसकी ये खास बात थी, ये सब बदमाश हुए, वो करेक्टर का स्ट्रोंग आदमी था। स्ट्रोंग करेक्टर वाइज आप कैसे डिफाइन कर रहे हो? मतलब वो एक दूसरे की लगाइयत बहुत सो लिया तो नहीं था, वो गलत जी, उसका करेक्टर सच्चा था। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हो कि आप वो नहीं थे और बाकी थे। नहीं नहीं, जिस मैं एक बात कर रहा हूँ, सुभाष के मही वॉज ए ट्रूथ मैन, महाराज जी कहता सच्चा देशभक्त था सुभाष जी, तो इसने जो था ये स्ट्रॉन्ग, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं सुनी है, मन ने भी 44 साल हो गए इसका, मैं धक्के खाता नहीं, मन ने तो ये पता है मेरे तो 1500 नंबर तो वैसे याद है फोन नंबर, और मैंने तो सारे गम्मा का जितना भी रुतबा किस हल्के में किस कौम में किस उसमें, जिस तरह कई में नहीं कहते 1003 में चल रहा है जी,
कई आदमी कह देते हैं ना 25-30% बस हो गए 100 है हरियाणा में जाट है, जो जाति 10% 5% है 15% 9% है उनका कोई जिक्र नहीं, वो ठीक है हमने बराबर है हमने तो कोई महाराज जी कहता जात ना पक्ष ना न नियम आचार सदा सोमण करे नित्य विचार नित्य। पर जाटों की स्टेट तो कहते हैं इसको जी, जैसे हिंदुओं का देश नेपाल है जी, यो भी हिंदुओं का देश है, पर एक आदमी का दुश्मन का बार बार जिक्र क्यों कर रहा है, अभी बार बार मुसलमानों का जिक्र कर रहा है, जिक्र भी की माइनर है। जैसे आपने बात की है कि हरियाणा को जाटों की स्टेट कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तो अगर एक कम्युनिटी का एक समाज का किसी स्टेट में दबदबा है तो ज्यादा मात्रा में है वो, तो उनका दूसरी कम्युनिटियों के प्रति, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 36 जात है, उसमें एक जात जो है वो जाट है, तो जो 35 जात जो बाकी रहेगी उनके प्रति जाट समाज का कैसा व्यवहार होना चाहिए आपके अनुसार? नहीं अच्छा है वैसे तो, अब भी अच्छा और अच्छा होना भी चाहिए भाई। हमने सुनो, हमने ब्राह्मण की भी जरूरत, खाती की भी जरूरत, लोहार की भी जरूरत, कुम्हार की भी जरूरत, छिप्पी की भी जरूरत, नाई की भी जरूरत, और भाई धोबी की भी जरूरत, बैरागी की भी, गोसाई की भी, शामी की भी, और भाई गुजर की भी, ठाकर की भी, और जितने भी हमारी कम्युनिटी हैं। जब हम कुम्हार का मटके लेने जाएंगे, पैर माँ होगा, आपने वो माहौल नहीं देखा, नाच खेत में काट के लिया पैरा में खड्डा करता, खाती अलग गाठ बंधु आगे लाता, नाई अलग, कुम्हार अलग, छिप्पी अलग, और जिस ब्राह्मण नाई ब्राह्मण नहीं वो ब्याह क्या होया, जब पैर काटा है जमींदार के 200 मण चने, 400 मण चने, 500 मण चने, 100 मण चने, 500 मण गेहूँ, 1000 मण गेहूँ, उसका ये सारी कौम उसके पीछे लग रही थी, तुम्हार भी आगा गांठ बांध के लिए, यो भाई मारा घर का तुम्हार, यो मारा घर का नाई, यो घर का खाती है, यो लोहार से, तो सारी जात बराबर है। हाँ सारी जात अपने आप, वो एक जो महाराज जी का दौराज होना है जी, महाराज जी एक साखी कहता थी जी, नोला भी जात ना पक्ष ना अन्य नियम आचार और सदा सुमरण करे नित्य विचार, किसी कौम से नफरत नहीं। मैं तो एक चीज ये कह रहा हूँ, जाट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राजस्थान में है जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है जी, पर राजस्थान में आज तक जाट मुख्यमंत्री नहीं बना, वह कर्म की बात नहीं होगी, बेसनो 1% है, 11 साल राज कर गया, जाटों की स्टेट है जी, वो हमारी स्टेट इसलिए है। अब उपद्रव कोई भी करेगा, कई बार रोड जाम में फंस गए, शाम मैंने धक्के बहुत खाए, दूसरी स्टेट का आदमी गाड़ी रोड उस जाम में फंस रहा है, हम भी फंस रहे हैं, तो कहने लग रहा है कि भी वो नले ये जाट कम्युनिटी उल्टा काम करती है, झगड़ा हो रहा था उनका हरिजनों का पंडितों का, और फिर देखे मैं बोले भाई हमारी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं लोग, ब्राह्मण लक्ष्मी ने कही ना समझदार मानस ने कौम जब पमरना चाहिए, बेशक हमने किसी कौम से नफरत नहीं करते, पर अगर हम कोई मुस्लिम हिंदू की बात आओगी तो हम हिंदू का फेवर लेंगे, और कौम की बात आओगी तो हम जाट का फेवर लेंगे, बाकी सभी जात सभी जात बराबर, हमने किसी जात से नफरत नहीं। और फिर मैं ब्राह्मणों को तो बहुत मानता हूँ, ब्राह्मण को तो सिंहासन भी बड़ा है। ऐसे लोग जो दूसरों दूसरी जातों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उनके प्रति आपके क्या भाव है? अरे वो तो गलत है, हीन भावना है, हीन भावना। हाँ एक वो नहीं होता, वो इंग्लिश का लफ्ज को भी पहले पढ़ा था उसमें डिक्शनरी में, लो ब्रीड, लो बॉर्न जी, नीच किस्म का आदमी, बिल्कुल जो है ना कुछ विचार नालायक कह देते, ये तो जो है ना उन आदमियों के काम है, नफरत नहीं करते हम, हमने जरूरत है ब्राह्मण की जरूरत सबसे पहले, गुजर की भी, यादव की भी, ठाकर की भी, बनिया की भी, पंजाबी की भी, और बैकवर्ड की भी, हरिजन की।